बैक टू माई चैनल। और आज इस वीडियो में हम ये बैंगल बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये प्लास्टिक बैंगल लिया है, थ्रेड ली है कॉटन थ्रेड, और यहाँ पर मैंने निडिल ली है, थ्रेड ली है, और यहाँ पर मैंने रिंग ली है मोती की, और यहाँ पर मैंने चक्री मोती डेकोरेटिव चीज़ें ली हैं। और सबसे पहले जो थ्रेड है इसको हम बैंगल के ऊपर वार्प कर देंगे। बैंगल को पूरा वार्प करने के बाद हम इसमें गोटा पट्टी भी ऐड कर देंगे। गोटा पट्टी लगाना इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें अपोजिट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्लू कलर है तो इस पर आप येलो कलर की थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये निडिल ली है और थ्रेड ली है, तो और ये घुंघरू भी लिए हैं मैंने तीन। तो सबसे पहले निडिल के अंदर हम धागे को पिरोएंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं, जैसे नोट लगाते हैं। और यहाँ पर मैं सुई के अंदर धागे को डाल दूँगी, इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। और कट करने के पहले, मतलब नोट लगाने के पहले ही हम धागे के अंदर घुंघरू को डाल देंगे। एंड हम धागे के अंदर पहले ही घुंघरू को डाल देंगे, उसके बाद हम निडिल में मोती डालेंगे, गोल्डन चक्री डालेंगे, वापस से हम एक और इसमें छोटा मोती डालेंगे और फिर इसको कट कर देंगे। और इसी तरह से हम इसमें दो लेयर को और रेडी करेंगे और तीनों को आपस में बांध दें। तीनों को आपस में बांधने के बाद जो बैंगल है इसमें हम रिंग को ऐड करेंगे, जो वाइट कलर की रिंग है। तो सबसे पहले हमें इस रिंग को रेडी करना होगा, जो कि हमने यहाँ पर ये लूम बनाया है, मतलब यहाँ पर हमने जो तीन लेयर है इनको आपस में ऐड कर दिया है। और फिर ये जो धागा है, इस धागे में ही हम एक और धागे को ऐड कर देंगे इसी कलर का। तो यहाँ पर हम दो तीन बार इसमें नोट लगा देंगे। और ये जो वाइट कलर की चक्री है इसके अंदर हम इस धागे को डाल देंगे, देखिए इस तरह से। और फिर इसका मुंह हम इधर लेंगे और दोनों को आपस में बांध देंगे, नोट लगा देंगे। इससे जो लूम है वो रिंग से अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक और धागा लेंगे, जिसका हम इसे लूम बनाकर और वापस हम इसमें चक्री में डाल देंगे। और यहाँ पर हम इसे नोट लगा देंगे और फिर वापस हम इसमें दो तीन मोतियों को लगाएंगे। और ये जो रिंग है, मतलब ये जो कड़ा है बैंगल, हम इसमें इसको अटैच कर देंगे। और अगर आपको हैंडमेड ज्वेलरी या फिर क्राफ्ट की वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है। और अगर आपको हैंडमेड ज्वेलरी में जैसे नोज रिंग, नोज पिन या फिर फ्लावर ज्वेलरी, जितनी भी तरह की वीडियोस देखनी है, तो उसकी जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है। तो वहाँ पर क्लिक कर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। जिस तरह हमने रिंग में नोट लगाई थी, उसी तरह से इस बैंगल में भी नोट लगा देंगे। और यहाँ पर हम इस धागे को इस तरह से बांध देंगे, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे, और लास्ट में फैब्रिक ग्लू लगा देंगे, जिससे जो बैंगल है वो रेडी हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।